भाई उठा था जरा इसको थोड़ा दूर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पत्थर पत्थर खोला और ये पत्थर के पत्थर में क्या निकला आप देख सकते हो। ये क्या क्या दिख रहा है, एक मिनट अपन इसको देखते हैं क्या है। ओ तेरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संगीत। मैं फिर ये इवनिंग के टाइम में इधर थोड़ा घूमने आया हूँ। हमारी इधर ये पहाड़ी और ये जो बकरी चरा रहा, बकरी चरा रहा कि बकरी की डगरे चरा रहा, बकरियाँ चरा रहा। तो दोस्तों हम यहाँ हम एक्चुअली उनको मार नहीं रहे दोस्तों, फिर सिर्फ देख के और फिर उनको उनकी सही जगह पे मतलब छोड़ देंगे, वापस पत्थर रख देंगे। क्योंकि हम छोटे थे तब यहाँ पे बहुत ऐसा खेलते रहते थे, पर पूरी सेफ्टी के साथ। अभी ये पत्थर खोलो, इसमें ये जो आपको दिख रहा होगा केचुआ निकला। ये मुझे तो बहुत डर लग रही है दोस्तों। यहाँ ये बहुत सारे पत्थर है और इस पत्थर के अंदर अपन खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीव अपने को देखने को मिलेंगे। तो आपको चलो दोस्तों देखते हैं। यहाँ मैं ऐसे घूमने आया था बस, मैंने थोड़ा बहुत थम्सअप स्प्राइट पी लिया बस, मैं इसे लेके आया था। तो मेरी बाइक इधर नीचे और उधर उधर मेरा घर है उधर साइड में, और काका भी तो अभी वीडियो इधर वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, और ये अपना बकरी चराने वाला बंदा इधर साथ में। तो इसके साथ हम देखते हैं अंदर क्या कैसे क्या क्या छोटे छोटे जीव दिखेंगे अपने को। बहुत सारे जहरीले भी रहते कहीं कहीं, तो सांप भी अंदर पत्थर में घुसे रहता है। नहीं भाई रहता नहीं पत्थर में, सांप भी रहता। तो देखते हैं अपन अंदर। चलो मैं कैमरा इधर कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कैमरा इधर पीछे का कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। तो ये बंदा पत्थर खोल रहा है और इस पत्थर के अंदर क्या निकला देखते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं निकला जी। यहाँ पे केचुए तो अपने को मिल जाएंगे जिनकी काम मेरा दादाजी दवाई बनाते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे। वही थोड़ा सेफ्टी से खोलना पड़ता है उससे थोड़ा। इधर कौन सा पत्थर खोलते अपन, ये वाला थोड़ा दूर है। नहीं नहीं ओह हो चिटी आ रही है, क्या निकला ये भी तो केचुए। कुछ और ना निकल जाए यार, क्या खुल रहा है। और यहाँ पर तो हम कुछ भी नज़र यहाँ दोस्तों थोड़ा सा हमने रख दिया है। और हम फिर पत्थर खोल के देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमको छोटा सा जीव मिला है जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई इसको, हमारे आदिवासी में बोलते हैं कान कसूरा। और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से नींद में सोया है, और हम इसको डिस्टर्ब करने वाले नहीं हैं, बट फिर भी हमें इसको करना पड़ेगा जी हाँ दोस्तों। और ये बेचारा सोया है, इसमें थोड़ा सा जहर रहता है, इसमें एक झटका मारेगा तो थोड़ी देर अपने को दर्द होगा, फिर इससे बड़ा रहता तो फिर बहुत ही झटका लगता है। ये इसके अंदर एसिड रहता है और एसिड अपने अंदर जब छोड़ेगा ना तो अपनी बॉडी में अपने को दर्द महसूस होगा। और ये जाग चुका है, सोया था बेचारा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको मैं कहीं कुछ मारूँ या कुछ इसको परेशान करूँ। तो दोस्तों मैं इसको वापस ऐसा कैसा रख रहा हूँ ताकि ये सो जाए। चलो यार सो जा। अब दूसरा पत्थर खोल के दिखाते हैं। और हमारे साथ एक मोटा इंसान भी आ गया है। और ये मोटा है ना, ये कतई सांड जैसा, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है। रोटा तो ये रोटी खाता है बोल रहा। चलो ये भाग रहा। चलो इनके साथ सब सेफ्टी से हम अपन देखते हैं और आपको दिखाते हैं, बट हम उनको कहीं नुकसान पहुँचाने वाले नहीं है, जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे जी। खोलने वाला है तो इस पत्थर के अंदर कुछ बड़ा दिखने को मिलेगा, पर कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला यार। कैसे हो सकता है, बट ये शायद पैकिंग में है यूँ लग रहा है, बट यहाँ कुछ नहीं दिखा हमें। आप देख सकते हो यहाँ पे और काफ़ी, अरे नहीं 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 हमने थोड़ी गलती कर दी, कुछ नहीं है। बाकी छोटा सा पत्थर खोल के देखता हूँ ये कुछ निकले। ओह निकले, बट ये तो हमारे दोस्त हैं। इसका ये पत्थर वो करने गया, इसकी चड्डी पेंट फट गया, चड्डी फट गई इसकी तो। अरे यार बहुत बड़ा दोस्त के साथ बहुत यार क्या बताऊँ, अरे यार क्या फील हो रहा है। चल ठीक यार भाई ये अपन खोलते देख। तो दोस्तों मैं ये छोटा वाला पत्थर खोल के देखता हूँ और इसके अंदर कुछ निकले नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दोस्तों, मैं वापस पत्थर को रखूँगा ऐसे। तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ इसमें अंदर कुछ हो सकता है नहीं। जी हाँ दोस्तों इसमें है, बट छोटे छोटे जीव है और मैं उनसे परेशान करना नहीं चाहता हूँ। उनको ऐसा कर ऐसा पत्थर रख दिया मैंने, और काफ़ी यहाँ पे कुछ हो सकता है। और दोस्तों जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे ये कितना बड़ा किया, इसको क्या बोलते हैं कान कसूरा की। तो दोस्तों इसको कान कचरा बोलते हैं हमारी भाषा में जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कान कचरा, इतना बड़ा कान कचरा। धीरे धीरे इधर आ रहा है। तो दोस्तों आप अंदर यहाँ 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 ये काट सकता है दोस्तों, क्योंकि ये इसमें खासी काफ़ी एसिड रहता है। और ये इसी पत्थर में, जिस पत्थर को मैंने उठाया उसी पत्थर में आ रहा है। तो दोस्तों इसको अपन फिर से खोल के देखते हैं, और ये यहाँ पर ही होगा। देख सकते हो दोस्तों ये रहा,
देख सकते हो ये जाता हो, ये भागता हो, देख सकते हो आप दोस्तों इसमें क्या है, एसिड रहता हो और ये अभी जा रहा है यहाँ से। तो कहीं नहीं भाई, इसको इसके ऊपर पत्थर रख दें, फिर दूसरे की ट्राई करते हैं। तो दोस्तों हमने इसके ऊपर पत्थर रख दिया है और आप देख सकते हो ये यहाँ से निकल के बस एक ही जीव था, अंदर के होंगे बट वो अंदर चले गए, यहाँ पे एक था उसको उसके ऊपर वापस हमने पत्थर रख दिया, यानी कि वो अभी सेफ है। तो दोस्तों हमने फिर यहाँ पे छोटी सी जगह पे देखा और हमने किसी को मतलब मारा या फिर ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब हम जा रहे हैं फिर इधर पत्थर में, आपको बताएंगे फिर आपको बता के वापस उसको सेफ उसी जगह पर छोड़ देंगे वापस पत्थर रख के। तो थोड़ी सेफ्टी से बच्चों थोड़ा दूर रहना यार, अच्छा बस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़े बड़े, यहाँ पे कुछ हो सकता है। ये दोस्त देखना साइड में, तो दोस्तों यहाँ पे आखिर हमको केकड़ी दिख गई, देख सकते हो आप ये देख सकते हो दोस्तों ये केकड़ी हमको मिली। और ये क्या पता यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पानी में रहती है, अधिकतर रहती है बट अंदर बड़ा वो खोद के, बट ये तो यहाँ पत्थर के नीचे है, कितनी अच्छी बात है ना यार। तो दोस्तों हम इसे मारेंगे या फिर कुछ परेशान करना नहीं चाहते, क्योंकि ये बस आपको बता देते हैं ये इस पत्थर के अंदर थी, ये जो पत्थर है, बाकी जो बहुत बड़े पत्थर इधर है ये अंदर है, आप देख सकते हो इनकी दो आँखें। अब इसको वापस होने दो यार, डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पे आपने को दिखाए और बासी कलरफुल एकदम फैंटास्टिक लुक है इनका, देख सकते हो आप ये इनके अंदर भी एक एसिड रहता है जिससे अपने बॉडी पर कुछ क्या पता वो दर्द हो सकता है, दर्द होगा ही, मेरे को भी काटा था एक बार जब हम यहाँ पे बकरियाँ चराया करते हैं पहले के ज़माने में, अभी नहीं। तो दोस्तों इनका घर है, काफ़ी अच्छी बात है यार, कितने मस्त दिख रहे हैं इनका कलरफुल रेड एंड येलो एंड ब्लैक, देख सकते हो ये पत्थर के अंदर क्या निकला यार, ये देख सकते हो दोस्तों ये आप, और ये शायद अंदर जा रहा है और हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनका भी यही घर है, इनका घर हम तोड़ना नहीं चाहते। तो दोस्त इसको वापस पत्थर को यूं कर दे, फिर दूसरा दिखाएंगे आपको कोई अच्छी न्यू सीज ब्रांड में, इतनी मस्त अच्छी वाली एकदम नेचुरली घास में कोई क्या है, क्या 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 है, क्या क्या इधर ये वाला ये कहाँ दिख कहाँ रहा ये वो भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे को नहीं नज़र में आ रहा था, पर आप देख सकते हो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ दोस्तों क्या दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा ना दोस्तों, ये कुछ तो है आपको बताता हूँ रुकना। दोस्तों ये आप देख सकते हो ये कुछ ये है, ये इसमें कुछ जीव है, या मेरे को कुछ ये बच्चा बोल रहा कि ये कुछ है, बट मेरे को इनका नाम नहीं पता और ना ही तो इसके बारे में कुछ पता है, टिड्डा बोल पता नहीं क्या हो सकता है ये, बट ये तो भी पूरा हाँ दोस्तों मेरे को शायद यूँ से पता लग हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारी घास वाइट में है या फिर सूख गई है, और इसका कलर इसने नेचुरल के हिसाब से इसने अपना कलर चेंज कर लिया, तो इसको हम परेशान नहीं करेंगे और इसको परेशान नहीं करते, ठीक रहने दो। कुछ तो कुछ हो सकता है, और हमारे बॉस गए यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी चींटियों का घर है, और ये पत्थर के अंदर था, पत्थर के नीचे था। तो दोस्तों हमने गलती कर दी है, क्योंकि हमको नहीं पता था इसके अंदर ने क्या है, पर ये इनका घर है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी चींटियाँ हैं, और ये पत्थर रखा भाई, इस पत्थर को वापस रख दे वैसा कोई, क्योंकि हम इनके परेशान कराने चाहते हैं। आप देख सकते हो चींटियों का घर काफ़ी कूल दिख रहा है, एक बार हटा के देख सकते हो, एक बार और दिखा, काफ़ी कूल दिख रहा है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चींटियाँ हैं और इसके अंदर से निकल रही है और बाहर जा रही है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों हम इसे वापस रख रहे हैं, क्योंकि ये दोस्त रख दे दोस्त बराबर, तो इसको हमने रख दिया, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि थोड़ा सा चिटियाँ, ओहो ने ये वाला पत्थर खोला, और यहाँ पे अपने को एक मस्त अच्छा वाला जीव देख सकते हो, ये काफ़ी कूल दिख रहा है ना, पर इसको हम परेशान नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रख देंगे और इसको हम सोने देते हैं। ओ माय गॉड, ये फिर हम लोग केंचुआ छोटा छोटा रहता है ना वो दिख गए जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर पत्थर रख के उसको ऐसा रख दे और इसके ऊपर फिर दूसरा पत्थर, ये क्या है, और दोस्तों उसको फिर क्या 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 दिखा, क्या दिखा दोस्त बता, ये बड़ा वाला जी हाँ दोस्तों इसको बोलते हैं। वो दोस्तों इसने तो बड़ा पत्थर खोला था बट यहाँ पे कुछ, बट फिर भी थोड़ी बहुत सेफ्टी से कर रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा जीव कुछ निकल नहीं सकता, बट हम देख सकते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा, और पत्थर को खोल के देखा बहुत सारे अभी तक खोल लिए हमने, फिर देखते हैं। और भी तो पानी का मौसम बहुत खतरनाक वाला हो सका, पता है बारिश आज हो सकती है, क्योंकि आज की नाइट तो पता नहीं हमारे वैसे ही बहुत बारिश गिरा, लाइट भी कभी कभी चले जाती तो बहुत ही मच्छर काटते हैं यार क्या बताऊँ। तो दोस्तों फिर हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं, फिर आपको दिखाते हैं न्यू जीव, आपको पता नहीं क्या हमको यहाँ पे यार
जी हाँ दोस्तों, आपको दिखाते हैं इनका फिर लुक। और ये देख सकते हो आप, ये पत्थर पे कितनी मस्त दिख रही है ना दोस्तों, देख सकते हो आप इनका लुक। वाह, भागी नहीं रही यार, मेरी दोस्त बन गई लग रहा है मेरे को। ये देख सकते हो आप ज़रा इनका, देख सकते हो दोस्तों। ये कुछ मेरे को नहीं पता कि ये डेंजर हो सकती है या फिर नहीं है, कि मेरे को डर लग रही है ऐसा। पर है बेचारी कितनी मस्त कूल दिख। तो आखिर हमने बहुत सारे पत्थर खोल के देख लिए और उनने आपको बता भी दिया कि उसमें कैसे कैसे, मतलब अभी तो हमने बहुत थोड़े ही खोले थे। तो आपको फिर एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा जिनमें आपको पूरे पत्थर मतलब अच्छी तरह पूरी सेफ्टी के साथ खोल के, मतलब बहुत सारे पत्थर खोल के, और उन जीवों को कभी मतलब नुकसान नहीं पहुँचाएंगे दोस्तों हम, सिर्फ काफ़ी आपको दिखा के उसके बाद फिर दोस्तों उनको उनकी जगह पर वापस उनकी बराबर सेफ जगह पर। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। काफ़ी अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है और बारिश ऐसा हो रहा है तो मुझे घर निकलना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय जोहर, जय आदिवासी।